की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, तुमसे मिलने की खातिर संन्यास लिए फिरता हूँ। बादल हूँ धरती की सारी प्यास लिए फिरता हूँ, तुमसे मिलने की खातिर संन्यास लिए फिरता हूँ। मुझको तुमसे अलग किया दुनिया ने तरह तरह से, फिर भी तुमसे मिलने का विश्वास लिए फिरता हूँ, फिर भी तुमको पाने का विश्वास लिए फिरता हूँ। कुछ मिला भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं, आँखों में पहले जैसी नमी भी नहीं। कुछ मिला भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं, आँखों में पहले जैसी नमी भी नहीं। कुछ पता ही नहीं क्या हुए आज हम, देवता भी नहीं आदमी भी नहीं, देवता भी नहीं आदमी भी नहीं। देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। देवता मेरे आंगन में आएंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। पाने वाले देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। दुनिया वालों ने तो चांद को छू दिया और मैं चांद को पूछता रह गया, और मैं चांद को पूछता रह गया। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारे साथ हैं मंजुल भरत जी, जो बहुत ही बेहतरीन मतलब कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं, शायरी भी बोलते हैं। तो इनसे हम आपको परिचय कराते हैं, और चूँकि हम लोग आज इनसे भेंट हो गया है तो बहुत अच्छा लगा है इनकी कविताएं सुनकर। वीडियो में आपको विस्तार से इनके बारे में सुना मतलब आपको दिखाएंगे कि इनकी रचनाएं कितना बेहतर तरीके से मतलब गाते हैं बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, और ये बताइए कि कब से आप ये सब मतलब गाना बजाना और कविता शायर कब से बने हैं, थोड़ा बताइए। अरे हम तो बहुत लंबे समय से ही साहित्य साधना से जुड़े हैं, विद्यार्थी जीवन से ही हम साहित्य साधना करते हैं। स्पेशली ग्रेजुएशन करने के बाद जो है इसमें महारत हासिल हुई, उसके पहले तो मतलब जो जैसे तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी शायर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई दो चार पंक्तियां सुनाइए ना विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए। अब देखिए जैसे वियोगी होगा पहला कवि, ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, वियोगी पहला वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। तो ये तो पंत जी की लाइन है, और इसके पैरल मैंने लिखा है, जो जले निरंतर पथ प्रदीप कहलाता, जो कष्टों में हो साथ मित कहलाता, जो जले निरंतर पथ प्रदीप कहलाता, जो कष्टों में हो साथ मित कहलाता। एक बात राज का तुम्हें बताता हूँ मैं, आंसू का ही अनुवाद गीत कहलाता, आंसू का ही अनुवाद गीत कहलाता। इसी को पी वी शैली अंग्रेजी साहित्य के महान कवि ने लिखा है कि आवर स्वीटेस्ट आंसर दोज द टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारी जिंदगी के मधुरतम गीत वो हैं जो दर्दमय भावनाओं को व्यक्त करें। दोस्तों देखिए, these are all resembling lines having the same meaning। तो तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखे और आप लोगों को सुनाए। तमाम ऐसी इनकी रचनाएं हैं, वीडियो बने रहिएगा, आगे सारी चीजें आपको हम गीत हमारे अधर तुम्हारे, मेरी मधुबाला मेरी मधुशाला, और एक एक गीत काल्पनिक प्रेमिका के नाम, ये सब रचनाएं आपकी की हैं, सब प्रकार हाँ सब मेरी। तो इस तरह से तमाम इनकी रचनाएं हैं, आइए वीडियो में आपको हम इनके मेरी मधुबाला मेरी मधुशाला ये सब प्रकाशन में है। अब मृदुल मतलब भगत मंजुल भरत जी, आई एम सिंपली नोन एज मंजुल भरत जी इन द रियल्म ऑफ हिंदी लिटरेचर एज वेल एज उर्दू लिटरेचर। आई एम माई ओन सेपरेट आइडेंटिटी एंड सेपरेट इमेज। उर्दू में भी आपने रचना लिखी। आई कैन मीट एवरी चैलेंज ऑफ लाइफ विद स्माइलिंग फेस एंड अनडॉन्टेड करेज। उर्दू इज जस्ट फॉर नथिंग, वेयर एज उर्दू इज कंसर्न इट इज जस्ट फॉर नथिंग।